जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका बहुत आभार है। जो प्यार सपोर्ट कर रहे हैं, ईश्वर भोलेनाथ आप पर हमेशा कृपा रखें और आपका हमेशा हित हो। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सच्चा प्यार कब मिलेगा, सच्चा प्यार मिलने से पहले कौन कौन से संकेत हैं, और प्यार से रिलेटेड जितनी आपकी क्योरीज होती है, जितने सारे प्रश्न होते हैं, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, और न जाने कितनी सारे प्रश्न प्यार से रिलेटेड आप पूछते हैं, तो उन सभी का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। बस शर्त यह है कि वीडियो को पूरा और अंत तक देखें, ताकि आपकी एक एक चीज़ जो है डाउट वो क्लियर हो जाए और आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाए। इस वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले एक छोटा सा आपसे निवेदन मैं करना चाहता हूं कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। वो इसलिए सब्सक्राइब करें ताकि आप ज्योतिष से रिलेटेड सकारात्मक वीडियो और अपने जीवन में मोटिवेट करने वाले जो वीडियो हैं, आपके जीवन में सकारात्मक प्रता प्रदान करें, इस चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलती रहेगी। दूसरी बात है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे अच्छा लगे। तीसरी बात है कि आप कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम जरूर लिखें, जो आपका मन हो भोलेनाथ का नाम जरूर लिखें। अब अपनी कुंडली का एनालिसिस मुझसे करवाना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट ले अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं, उसका फीस है, शुल्क लागू है दोस्तों, वहाँ से आप बात कर सकते हैं। अब हम आते हैं मुद्दे के ऊपर। जब भी ये बात मन में उठती है सच्चा प्यार से रिलेटेड चीज़ें, तो देखिए मेन और मेन चीज़ इस दुनिया में जो है कि जो जिसके लिए लिखा होता है, जो जिसके लिए बना होता है, वो उसे सही समय पे मिल ही जाता है। तो हमें कभी भी इस विषय को लेकर इतना ज़्यादा अति सौक्ति कहूँ या इतना ज़्यादा एक्साइटेड कहूँ या इतना ज़्यादा कई सारे मन में जो प्रश्न हम अगर उठा करके रखेंगे, मतलब मन में चलते रहेंगे, तो हम उन चीज़ों को सही तरह से भुना नहीं पाएंगे और वो चीज़ मिलने के बाद भी हम एक ऐसे द्वंद में उलझ जाएंगे कि शायद उस रिश्ते को अच्छे से निभा ना पाएं। तो सबसे पहली बात हमेशा याद रखें कि इस विषय को लेकर जितना आप शांत रहेंगे सच्चे प्यार को रिलेटेड लेकर, उतना आपको ज़्यादा पॉजिटिव और सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे। दूसरी बात होती है कि प्यार जो होता है वो विश्वास का सब्जेक्ट होता है, उसमें बिना विश्वास के कुछ नहीं है, वो श्रद्धा का विश्वास होता है और उसकी कोई सीमाएँ नहीं होती हैं। तो जो व्यक्ति का जैसा भाव होता है ना, उसे वैसा प्रेमी मिलता है। ये कई बार बहुत सारे जातकों के साथ ये नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे जातकों के साथ ज़्यादातर यही होता है कि जो जैसा भाव जिसका होता है वैसा ही उन्हें प्रेमी मिलता है, वैसा ही उन्हें जीवन साथी मिलता है। तो ये बात भी हमेशा अपने मन से निकाल दें कि कैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, और बहुत सारे जो नेगेटिव प्रश्न हैं उन्हें आप विराम दें। तीसरी बात है कि कर्म की हमें आज़ादी है, कर्म का फ्रीडम हमारे पास है। जो भी रिश्ते हो उन्हें हम हमारी तरफ से पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करें, क्योंकि हम उन्हें निभाएंगे तभी वो प्यार बहुत दिनों तक चलेगा और वो प्यार की कसौटी पर हम खुद खड़े उतर पाएंगे। तो ये सबसे आसान और सबसे सरल और सबसे पॉजिटिव तरीका है। इसके अलावा दोस्तों, अपने गुरु मंत्र, अपने इष्ट मंत्र का जाप करते रहें और ईश्वर का नाम आप लेते रहें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें।